Welcome you all in the Ideogram Academy. Here it's Kriti. मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने आई हूँ. ट्रस्ट में बहुत मज़ा आने वाला है. ऑल इज यू नीड इज कंसिस्टेंसी टू कीप योर सेल्फ लाइक कॉन्स्टेंट. यार वीडियोज आनी है हफ्ते में एक बार, दो बार, तीन बार. तुम आके चेक करो, देखो. ट्रस्ट में मज़ा बहुत आएगा. लाइक यू फील लाइक बायोलॉजी इज ऑल अबाउट फन. या एंड या thanks to each and every team member of the Ideogram Academy for giving me such nice opportunity without any delay. Let's get started. Step by हर एक point को देखेंगे. Trust me guys, video को end तक देखना. बस एक एक point को देखेंगे और एक एक point को explain किया जाएगा. Well, life process क्या है? Life process जो भी तुम्हारे life के लिए necessary है. लाइक अगर तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, तो यू अगर तुम्हें इतना लिख दिया ना कि लाइफ प्रोसेस विच इज लाइक नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द लिविंग लाइफ, लाइक दैट इज एनफ. ऑब्वियसली स्कूल एग्जाम्स में ज़्यादा लिख दो तो तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, दिगड़म लगाओ, दो चार लाइन जोड़ के इधर लिख दो, ठीक है. तो हमको पढ़ना है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन. तो हम पहले पढ़ते हैं न्यूट्रिशन है क्या. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड by an organism and its utilization by the body for life process. हम जो भी खाना ले रहे हैं that is मतलब जो भी ले रहे हैं that is nutrition important for our body, important for living organism obviously, important for life process. Life process जो कि हमारे life को चलने के लिए. तो some people are like sir मेरी life PUBG के बिना नहीं चलती. अरे उस दुनिया से अलग, ये हम biology पढ़ने हैं तो थोड़ा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. तो इसमें क्या है कि जो तुम इनटेक कर रहे हो न्यूट्रिशन, लाइक सम पीपल आर वीक एंड डॉक्टर उनको प्रेस्क्राइब करते हैं न्यूट्रिशियस खाओ, या फिर खाते नहीं तो न्यूट्रिशियस टैबलेट देते हैं फॉर विटामिन ए की टैबलेट, सी की टैबलेट्स और सम काइंड ऑफ सीरम फुल ऑफ विटामिन. क्यों? उनके अंदर कमी होती है यार, न्यूट्रिशन की कमी होती है. तो ऑब्वियसली तुमको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा. हम जो हमारी जो इंडियन डाइट है जिस हिसाब से फिक्स है, ऑब्वियसली डैट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिशन. हर चीज़ के पीछे साइंस है. ऑब्वियसली डैट लाइक जो भी तुम्हारी मॉम कुक करती है उसमें न्यूट्रिशन होता है, तुम्हें न्यूट्रिशन की कमी होती नहीं है. वेल इन द पॉवर्टी रीजंस हम देखें इंडिया में तो बहुत ज़्यादा लोग माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं. ऑब्वियसली क्यों? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गेट द प्रॉपर न्यूट्रिशन, दैट्स वाई दिस हैपन्स. And yeah, respiration, the process by which food is burned in the cell, the body with the help of oxygen to release energy. होता क्या है, अब चीज़ें साइकिल क्यों चलती है मैं तुम्हें प्रूव कर सकती हूँ. नेचर तुम्हारा इतना साथ देती है एंड यू गाइज आर लाइक पेड़ हटाओ, घर बनाओ, फील्ड बनाओ, ये करना है वो करना है. एक बार तुम सोच के देखो यार, ब्यूटी ऑफ नेचर की जो तुम छोड़ रहे हो वो तुम वो ले रहा है, तुमको वापस से प्योरीफाई करके दे रहा है क्या? ऑक्सीजन ऑब्वियसली. तो रेस्पिरेशन में यही है, जो तुम खाना लेते हो और उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं. ऑब्वियसली हीट क्या होता है, तो तुम्हारी बॉडी में वो जो मतलब कंबशन प्रोसेस होता है डाइजेशन, आई थिंक यू गाइस नो अगर तुमने पढ़ा होगा तो. इट्स अ कंबशन प्रोसेस. सो तुम्हारे खाने पेट में एसीएल होता है. अब खाना लेते ही हमारे हर बॉडी पार्ट में नहीं चला जाता. आई थिंक इसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन में दी जाएगी. सो रेस्पिरेशन हुआ, तुमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तुम्हारी चीज़ें टूटी, तुमको एनर्जी मिला, डेट इज रेस्पिरेशन. और ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, लाइक यू इनटेक फूड, तुमने खाना लिया. ऑब्वियसली खाना लेके तुमको क्या लगा, तुमको एनर्जी मिल गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता. तुम्हारे ऑब्वियसली प्रोसेस अंदर जाती जाती फूड स्टॉमिक में जाती है, लाइक ऑब्वियसली इंटेस्टाइन, तो तुम्हारा जो वेस्ट होता है उसको साइड कर दिया जाता है. ऑब्वियसली द न्यूट्रिशियस थिंग लाइक विच इज नेसेसरी फॉर योर बॉडी डेट इज एब्जॉर्ब्ड, लाइक एंड एब्जॉर्ब्ड आफ्टर डेट इज ट्रांसपोर्टेड टू योर ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट. एंड द फोर्थ पॉइंट इज एक्सक्रेशन, इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड. लाइक मैंने तुम्हें कहा ना, तुम जो भी तुम क्या कहते हैं वो फलाना ढकाना वाला जंक फूड खाते हो जो कि तुम्हारे बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं है, लाइक ऑब्वियसली वो तुम्हारा वेस्ट की तरफ बाहर हो जाता है. दैट इज प्रोसेस इज एक्सक्रेशन. एंड अब देखते हैं हम न्यूट्रिशन को अच्छे से डिफाइन करते हैं. ऑब्वियसली क्योंकि मैंने तुम्हें पहले कह दिया कि हम टॉपिक वाइज सबको अच्छे से पढ़ेंगे. सो चेक इट आउट हियर.
न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजिंग द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी फॉर ग्रोथ टू रिपेयर डैमेज बॉडी पार्ट्स एंड फॉर एनर्जी. तो कोई बस इतना याद रखना है न्यूट्रिशन का ये दिस इज नॉट डिफिनेशन यार. दिस इज द प्रॉपर रोल क्योंकि न्यूट्रिशन जो तुम ले रहे हो इट इज न्यूट्रिशन एंड इसका रोल क्या है. तुम्हें कहीं पे प्रॉब्लम जैसे तुम्हें कोई डिजीज होती है तो डॉक्टर एडवाइज यू फॉर द न्यूट्रिशियस फूड ऑब्वियसली न्यूट्रिशियस टैबलेट एंड सिरप्स. पीछे की वजह तुम्हारी बॉडी को वो हील करता है मतलब तुम्हारी बॉडी को नॉर्मल स्टेट में लाता है और तुम्हारी बॉडी ग्रोथ में है तो फिर भी डॉक्टर कहते हैं यार आपको न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए क्योंकि ये ग्रोइंग एज है. कहते हैं ना ग्रोइंग एज है ऑब्वियसली फॉर दैट. और क्या है तो ये जो दूसरा वाला लाइन है जो कि लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल एंड मोस्ट ऑफ द फूड आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल. द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फूड वाटर एंड एयर. तो हम इसमें क्या करते हैं तुमको बस इतना याद रखना है कि जो आउटसाइड रॉ मटेरियल जो यूज़ किया जा रहा है लिविंग दोबारा दैट इज़ फूड वाटर एंड एयर एंड मोस्ट ऑफ पीपल नो दैट इज 90% ऑफ द चीज़ इज कार्बन लाइक आवर बॉडी इज ऑल्सो एंड वी आर यूजिंग दैट इज कार्बन प्रोडक्ट ऑब्वियसली कार्बन इज इंक्लूडेड इन दैट. तुमको केमिस्ट्री में भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. हम आगे देखते हैं क्या है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. तो आई थिंक पिछले क्लासेस में या फिर पहले तुम्हें क्लासेस में 9th 8th में तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन तो हो कि दे आर बेसिकली टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. वन इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड अनदर वन इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एंड ऑब्वियसली डिफरेंस तुम्हें पता है तब भी ठीक है नहीं पता है तब भी ठीक है. बस मैं इतना बोलूँगा कि जस्ट डोंट फील यू सेल्फ लाइक आई एम इंफीरियर और आई डोंट नो एनीथिंग. तुम्हारे पास बहुत वक्त है लाइक एवरीबडी हैज डिफरेंट काइंड ऑफ क्वालिटी. यू कैन डू एनीथिंग एंड दिस इज कोविड सीजन गाइज. दिस इज कोविड सीजन. कब क्या होगा नोबडी नोज. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की स्टे फोकस्ड स्टे हैप्पी स्टे सेफ. या लाइक लुक एट हियर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटो मतलब सेल्फ. तो सेल्फ क्या खाना सेल्फ हम थोड़ी ना बनाते हैं. तो सम पीपल लाइक सेल्फ मैं खुद से बना के खाता हूँ. डैट इज़ नॉट ऑटोट्रॉपिक. तुम चीज़ें हेल्प किसकी लेते हो ऑब्वियसली प्लांट प्रोडक्ट और इफ़ यू आर लाइक नॉन वेज तो मीट प्रोडक्ट्स. ऑब्वियसली तुमने किसी चीज़ को लिया अब इस डायरेक्ट कंज्यूम. अब तुम खड़े हुए सैलेड में यू आर लाइक सर आई एम जादू मुझे एलर्जी मिल गई लाइक या आई एम फुल नाइट आई डोंट वॉन्ट नीड फूड आई डोंट नीड टू ईट फूड. ऐसा नहीं होता यार ऐसा नहीं होता. दैट इज लाइक ऑटोट्रॉपिक में क्या है प्लांट जो कि ग्रीन पार्ट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल होते हैं फोटोसिंथेसिस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. फिर वो चीज़ों को लेता है अपने अंदर फिर खाना बनाता है. दैट प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस. और इस फोटोसिंथेसिस को कुछ बैक्टीरियाज भी करते हैं. दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया जो कि अर्थ पे सबसे पहले इवॉल्व किया था जिसने ऑक्सीजन. अब आते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि दूसरों के हेल्प की मदद से खाना बनाए जैसे कि हम ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली सम ऑल द फंजाई एंड सम बैक्टीरिया. टू डोंट कंफ्यूज विद बैक्टीरिया गाइस. बैक्टीरिया कुछ ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं कुछ हाइड्रोट्रॉपिक्स भी होते हैं. तो हम यहाँ देखते हैं टाइप्स भी होते हैं हाइड्रोट्रॉपिक्स के भी टाइप हैं. तो बेसिकली मेन अभी काफ़ी टाइप्स हो जाते हैं तो हमको सारा पढ़ना नहीं है. बेसिकली तीन मेन हैं सैप्रोफाइटिक पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन. देखते हैं उन तीनों में क्या है. ऐसा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या है बस इतना याद रखना कि दे आर फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. जो पहले से सड़ा गला है लाइक नॉट सड़ा गला ऑब्वियसली जो कि मरा हुआ है क्योंकि सड़ा गला मतलब उसकी न्यूट्रिशन जा चुकी है उसको पहले फीड कर चुके हैं सैप्रोफाइट्स ऑब्वियसली. यार दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. अब तो मेरे कोई इंसान मरता है तो उसमें जो न्यूट्रिशन रहता है जो कि मिनरल उसके अंदर बॉडी में तो वो तो फटाफट गायब नहीं हो जाता. ऑब्वियसली मिट्टी में जाते तो इंसान डिकम्पोज कैसे हो जाती है उसकी बॉडी क्योंकि जो भी ये चीज़ें हैं मशरूम मॉल्ड ईस्ट एंड ऑब्वियसली बैक्टीरिया बहुत बड़ा रोल होता है बैक्टीरिया का जो कि सॉइल में पाए जाते हैं वो अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं उस डेड बॉडी से. दैट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. एंड या सेकेंड वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. तो इसमें क्या होता है कि पैरासिटिक इसमें एक होस्ट होता है जैसे लाइक इफ समबडी नीड एनीथिंग तो उस दूसरे के ऊपर वो रहेगा जिस पे रह रहा है वो होस्ट. लाइक आई विल गिव द एग्जांपल ऑब्वियसली बहुत ही ऑब्वियस जो कि लाइफ में चल रही है उसका एग्जांपल. समबडी इज स्टैंडिंग लाइक वे समबडी इज सिटिंग और स्टैंडिंग नो मैटर व्हाट उसके सर में जुए हैं दैट इज लाइस. तो वो जो इंसान है जिसके सर में जुए हैं तो
इंसान है जो होस्ट फॉर हूम लाइक फॉर जुएं. तो ऑब्वियसली यू कैन सी द एग्जांपल हियर कॉज कैस्कुटा ऑर्किड स्टिक्स लाइज लीचेस राउंड वर्म टेबल. गाइस इसमें एग्जांपल याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन ऑब्वियसली. आगे देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. इट इज़ अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड द डाइजेस्ट एब्जॉर्ब. क्या करता है, कोई भी खाना पड़ा हुआ है कहीं भी, उसको लिया, डाइजेस्ट किया, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है, उसके बाद बाकी ऑर्गन्स में जाएंगे. ऑब्वियसली आपको पढ़ाया जाएगा अमीबा का, वो क्या कैसे लेता है खाना, लाइक उसमें फूड वैक्यूल एंड कैसे कैसे उसको डाइजेस्ट करता है, सब सब बताया जाएगा. लाइक ऑब्वियसली इन द अदर चैप्टर्स. तो यहाँ पे आप एक देख सकते हो डायग्राम है, थर्ड नंबर में यू कैन वॉच इट आउट. जो भी ब्लैक मटेरियल बाहर है डेट इज फूड, और अमीबा उसको लेता है, डाइजेस्ट करता है. लाइक इसमें एग्जाम्पल में हम भी हैं ह्यूमन ऑब्वियसली, क्योंकि हम खाना लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, आफ्टर डेट एब्जॉर्प्शन होता है ऑब्वियसली. तो रिमेंबर द एग्जाम्पल दैट इज अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस, ह्यूमन एंड एटीसी. न्यूट्रिशन प्लांट, न्यूट्रिशन प्लांट वो तो एनिमल था ऑब्वियसली, लाइक फंजाई एंड इन दिस कैटेगरीज. प्लांट में क्या होता है, अब प्लांट को तुम्हारी तरह तो खाना बना के दिया नहीं जाता, भात साफ जो और उसके बाद भी जो तुम्हारे नखरे होते होंगे, आई डोंट वांट टू ईट दिस, मुझे ये नहीं खाना, लाइक आई डोंट लाइक कद्दू, आई डोंट लाइक टिंडे, लाइक ऑब्वियसली दिस टाइप ऑफ स्टफ जो कि नॉर्मली हर घर में होता है. तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वो खुद प्रिपेयर करती है. ठीक है, तो तुमको मैंने बताया किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल इज द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग. तुम ये याद रखना फोटोसिंथेसिस को, तुमको कोई डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है यार, मैं बता रही हूँ कोई ज़रूरत नहीं है रटने की, तुम समझ लो चीज़ों को. मैंने तुम्हें कहा कि तुम पूरे रट लो फिर पेपर में वो लिखो तो नंबर मिलेगी, नहीं. लेकिन अगर तुमको बेसिक चीज़ें याद है फिर थोड़ा तिकड़म लगाओ, थोड़ा सा इंग्लिश लगाओ, जोड़ो, लिखो. मास्टर को चाहिए क्या होता है पेपर में, थोड़ा बड़ा सा डेफिनेशन, जो कि बड़ा सा दिखना चाहिए ऑब्वियसली. तो देखो क्या होता है, इसमें प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल खाना बनाती है खुद और रिलीज क्या करती है, ऑक्सीजन. अगेन मैं बोलूँगी मदर नेचर हम पे बहुत ज़्यादा आभारी है, जिसका तुम लोग तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते. ऑब्वियसली दिस जनरेशन डजंट रिस्पेक्ट द नेचर, एग्री. आई थिंक एवरीबडी इज एग्री. अगर कोई भी सोचे, खुद में सोच के देखो, तुम एग्री करोगे. लाइक देखते हैं इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, 6 CO2 लग रहा है, 12 H2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल एज आई ऑलरेडी सेड. Like this is carbohydrate, obviously the glucose. And one thing remember guys, khana banta carbohydrate ki jaisa hai, like obviously carbohydrate sugar, and it is stored in the form of starch. Okay, and oxygen evolve karta hai. Dekho, main tumhe bataya ki obviously mother nature oxygen evolve kar rahi hai, jisko tumko zarurat hai. Tum loge wapas, tum carbon dioxide doge. Ab process of photosynthesis mein dekhna hai to kya kya hota hai. कुछ स्टेप्स हैं, वो तो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल. क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल होता है लीव्स में, और वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, यू कांट एब्जॉर्ब द लाइट टू योर स्किन, लाइक ऑब्वियसली मतलब क्लोरोफिल तुम्हारे अंदर है नहीं, तो इट इज़ इम्पॉसिबल विद यू गाइज ऑब्वियसली. तो तुम लाइट में खड़ी होकर चार्ज तो हो नहीं जाते. दूसरा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में करती है, उसके बाद क्या करती है, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में. ऑब्वियसली यहाँ पे हम ऊपर देख रहे हैं 12H2 यानी कि 6H2O बाद में बनता है और 6 ऑक्सीजन. रिमेंबर गाइस, अगर 12H2O नहीं होगा तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन नहीं बनेगा. ये आपको फर्दर 12th क्लास में वापस से पढ़ाया जाएगा इन द चैप्टर सेम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट. मैं बता रही हूँ जो आपको 10th का सिलेबस आता है ना, डेट इज़ मैच टू मैच 12. ट्रस्ट में गाइस, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके यहाँ पे आप पढ़ते हो ना, लाइक 10th में ये चीज़ें लोगों को मजाक नज़र आती है, लाइक लेकिन जब आप 12th में जाओगे तो यू विल फाइंड कि शायद तो क्यों छोड़े हमें शायद को, काश कि मैं कर लेता या काश मैं कर लेती. तो क्यों, काहे का काश यार, काहे का काश, ले चलो इसको, कि बाद में कहना पड़ बाद में चलो अरे ये तो पढ़ा था, अरे यार हाँ यार पढ़ा था. कहाँ पढ़ा था, एडियोग्राम पे पढ़ा था. ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो यूज टू रिटेन योर बुक्स. थर्ड इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट. यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है CO2, 6 CO2 जो कि बन रही है C6H12O6, तो वो रिडक्शन हो रहा है, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन ऑब्वियसली इन योर टर्म्स. बाकी
हम डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो कि तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। एंड फाइनली दिस इज द पिक्चर ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे तुम इजीली सीन कर पा रहे हो सन से एनर्जी लाइट आ रही है। ऑब्वियसली क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन प्लांट, वाटर है फॉर्म ऑक्सीजन जो कि रिलीज हो रही है, ग्लूकोज बन रहा है। तो ये बेसिकली तुम डायग्राम बना के अगर टीचर को एक्सप्लेन करते हो, मास्टर तो तुम लोगों का क्या होता है, 5 नंबर का सवाल है बेटा आधा पन्ना भरो, एक डायग्राम बना, 4.5 नंबर। पता नहीं यार उनको आधे नंबर की रखने की क्या संतुष्टि मिलती है, पर हमको उससे रहना देना नहीं है। मार्क्स डजेंट डिफाइन यू, ट्रस्ट मी, मार्क्स डजेंट डिफाइन यू। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स। वेल, आप लोगों को ये लेक्चर शायद समझ में आया होगा, आई थिंक सो। एंड या सब्सक्राइब, लाइक, थैंक यू।